हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर, जहां पे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी ऐप आशीष क्लासेज डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, हिंदू एडिटोरियल क्विजेज वहां पर आप देख सकते हैं, साथ ही बहुत सारे ग्रामर वोकैबुलरी आधारित क्विजेज भी आपको मिलेंगे। आप हमारे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप आशीष क्लासेस से, जहां पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स, एसएससी 50 वीडियोस जो प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे, बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, या फिर आप बैंक और एसएससी दोनों का प्रिपरेशन करते हैं तो कॉम्बो पैक भी आपके लिए अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज 22 मई 2019 का एडिटोरियल सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमें डिस्कस करना है बीइंग रेस्पॉन्सिव, जो जम्मू और कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है उस संदर्भ में दिया गया एक आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरा जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ेंगे हाइज एंड लॉज, ये एक बाज़ार आधारित मार्केट के आधार पर इकोनॉमिक्स बेस्ड एक आर्टिकल होगा। तो ये दोनों ही एडिटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी वर्ड लिस्ट इसकी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, साथ ही जो इसका पीडीएफ है, इसका स्क्रीनशॉट है, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में। आशीष क्लासेस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, जहां पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत पसंद आएगा आपको, अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे, अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बींग रेस्पॉन्सिव। बींग रेस्पॉन्सिव, सबसे पहली बात तो रेस्पॉन्सिव जो शब्द यहाँ पे है ये एक एडजेक्टिव है। रेस्पॉन्सिव का मतलब रेस्पोंड करने वाला, उत्तर देने वाला। तो बींग रेस्पॉन्सिव का मतलब है ऐसा होना, जैसे आपने बींग एक पढ़ा होगा, बींग ह्यूमन, तो मानव होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, वैसा ही है कि बींग रेस्पॉन्सिव, तो रेस्पॉन्सिव होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको रेस्पोंड करना चाहिए, आपको उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए जो रेस्पॉन्सिव हो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, जो किसी व्यक्ति को आंसर देता हो जो आपसे आंसर चाह रहा है। तो इस प्रकार का ये मीनिंग दे रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर जस्टिस इन केसेज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त दो और वर्ड होते हैं, एक इंश्योर वर्ड होता है जिसका मतलब बीमा करना होता है, और एक ASSURE एश्योर होता है, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। तो द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर जस्टिस, तो सरकार को जस्टिस सुनिश्चित करना चाहिए, न्याय सुनिश्चित करना चाहिए इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, किन केसेस में जो मानव अधिकार उल्लंघन होते हैं, मानव अधिकारों का जो हनन होता है, उन केसेस में जम्मू और कश्मीर की ये बात है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू शट डाउन कम्युनिकेशन विद UN स्पेशल रेपोर्टर्स सीकिंग टू क्वेश्चन इंडिया ऑन एलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन जम्मू एंड कश्मीर में अपीयर एक्सट्रीम, बट इट इज इन लाइन विद इट्स रिएक्शन टू सच इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का जो निर्णय है टू शट डाउन कम्युनिकेशन, कि बातचीत बंद कर दी जाए, गवर्नमेंट का जो निर्णय है कि बातचीत बंद कर दी जाए, शट डाउन का मतलब बंद करना हो गया, कम्युनिकेशन बातचीत हो गया, विद UN स्पेशल रेपोर्टर्स। रेपोर्टर्स क्या होता है? रेपोर्टर्स उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि किसी संगठन के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है रिपोर्ट देने के लिए, जो भी प्रोसीडिंग्स है उन पर रिपोर्ट देने के लिए। अगर किसी संगठन ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे रेपोर्टर्स। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो कम्युनिकेशन बंद कर देगा, UN का जो विशेष रेपोर्टर्स हैं, वो रेपोर्टर्स जो कि चाह रहे हैं, सीक का मतलब चाहना या तलाश करना होता है, टू क्वेश्चन इंडिया ऑन एलेज्ड, एलेज्ड का मतलब तथा कथित, जो कि भारत से प्रश्न पूछना चाहते हैं, भारत से प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर हैं, एलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर, जो तथा कथित मानव अधिकार हनन होता है जम्मू और कश्मीर में, वो उसके बारे में जो पूछने के लिए जो रेपोर्टर्स नियुक्त किए गए हैं UN के द्वारा, तो उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन जो स्थापित किया जा रहा है, गवर्नमेंट का निर्णय है कि उससे कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाए। मे अपीयर एक्सट्रीम, अब ये मे अपीयर एक्सट्रीम आपको जोड़ना किससे है, ये जो शट डाउन का डिसीजन है गवर्नमेंट का, कम्युनिकेशन बंद करने वाला, इससे जोड़ना है। तो ये जो डिसीजन है मे अपीयर एक्सट्रीम, ये प्रतीत होता है कि एक्सट्रीम है, हो सकता है कि ऐसा लगे कि एक्सट्रीम है, उग्र है, सरकार के द्वारा बहुत ही सख्त रवैया है, बट इज़ इन लाइन इट्स रिएक्शन टू सच इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, लेकिन ये उसी के अकॉर्डिंग है। इज इन लाइन का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, किसी के अनुसार होना,
लेकिन ये उसी के अनुसार है जैसा कि इसका रिएक्शन रहा है। इट्स किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, उस गवर्नमेंट के लिए जो ऊपर हमने चर्चा की है। तो ये उसकी प्रतिक्रिया जो रही है इस प्रकार के इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के प्रति, जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कभी भी मांगी गई हो और उसके प्रति जो रवैया रहा है सरकार का, उसी के अकॉर्डिंग है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। इन अ लेटर डेटेड अप्रैल 23, एक पत्र जो कि 23 अप्रैल को लिखा गया, इंडियाज परमानेंट मिशन टू द यूएन इन जिनेवा रोड टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स रिजेक्टिंग एनी रेफरेंस टू द यूएन ओरिजिनल जून 2018 रिपोर्ट ऑन जे एंड के एज वेल एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड रिफ्यूज टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अबाउट डेथ्स ऑफ 69 सिविलियंस बिटवीन 16 एंड 18 इन वायलेंस इन द वैली। तो देखिए, इंडियाज जो यहाँ पे दे रखा इन लेटर डेटेड अप्रैल 23, अप्रैल 23 को जो एक पत्र लिखा गया था, इंडियाज़ परमानेंट मिशन टू द यूएन, भारत का जो एक स्थायी मिशन है यूएन के लिए या यूएन में इन जिनेवा, जिनेवा की बात है, रोड टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, ये पत्र लिखा गया था। हाई कमिश्नर जो थे, जो मुख्य आयुक्त हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, जो आयुक्त हैं उनको ये पत्र लिखा गया था, रिजेक्टिंग एनी रेफरेंस, जिसमें किसी प्रकार के रेफरेंस को रिजेक्ट किया गया था, टू द यूएन्स ओरिजिनल जून 2018 रिपोर्ट, जो यूएन की संयुक्त राष्ट्र की एक मूल रिपोर्ट थी 2018 जून की, उस बारे में संकेत देने से रिजेक्ट किया गया था ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बारे में, और साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके बारे में, एंड रिफ्यूज टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, और मना कर दिया गया था कि हम प्रश्नों का आंसर नहीं देंगे, अबाउट डेथ्स ऑफ 69 सिविलियंस, जो डेथ्स हुई थी 69 नागरिकों की 2016 से 18 के बीच में। देखिए, बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एंड है, इन वायलेंस इन द वैली, और ये घाटी में जब हिंसा घटी थी और हिंसा के कारण जो मृत्यु हुई थी उस बारे में जब रिपोर्ट मांगी गई तो सरकार ने मना कर दिया कि हम इस बारे में कोई रिपोर्ट आपको नहीं सौंपेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, क्या कहा गया है कि जो अप्रैल 23 का, जो ये एक 23 अप्रैल को एक पत्र लिखा गया था, इंडियाज़ परमानेंट मिशन टू द यूएन इन जिनेवा, ये भारत का जो परमानेंट मिशन है यूएन के लिए जिनेवा में, उसमें ये पत्र लिखा गया था ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर को फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उनको एक पत्र लिखा गया था। इसमें ये कहा गया था कि यूएन के जो ओरिजिनल जून 2018 की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई भी रेफरेंस देने से रिजेक्ट कर दिया जम्मू और कश्मीर पर, साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और मना कर दिया कि हम किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देंगे, जो 69 नागरिक मारे गए थे 16 से 18 के बीच में, घाटी में जो हिंसा घटी थी उसके चलते। In its objections, इसके जो objections हैं, the government said the report was false and motivated, government ने कहा कि जो report है वो बिल्कुल false है, motivated है, मतलब ये जो report थी वो बिल्कुल गलत थी, और motivated थी मतलब प्रेरित थी किसी न किसी लालच के चलते, that its conclusions and recommendations were violative of India's sovereignty, इसके जो conclusions हैं, इसके जो भी निष्कर्ष निकल कर आए हैं, इसके जो भी recommendations हैं, इसके जो सिफारिशें हैं, were violative, violative का मतलब है उल्लंघन करने वाली, हनन करने वाली, कानून को तोड़ने वाली, of India's sovereignty, sovereignty संप्रभुता होती है, सबसे बड़ी ताकत है, तो भारत की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ ये recommendation conclusions थे, and territorial integrity, integrity वैसे सत्यनिष्ठा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर integrity है, इसका मतलब है संपूर्ण रूप में होना, अनडिवाइडेड होना, अविभाजित होना, तो भारत की जो सॉवरेनिटी संप्रभुता है और जो क्षेत्रीय संपूर्णता है उसके खिलाफ था ये सब कुछ, इसके जो कंक्लूजन्स हैं। तो फिर देखिए, इन इट्स ऑब्जेक्शंस, अपना जो ऑब्जेक्शन जाहिर किया था गवर्नमेंट ने कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं इस पर रिपोर्ट के प्रति, हम आंसर नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी वो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट थी, वायलेटिव थी और मोटिवेटेड थी, और इसके जो भी निष्कर्ष निकाले गए थे, जो भी रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में थे, वो सारे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय संपूर्णता का हनन करने वाले कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन थे। एंड एक्यूज द स्पेशल रेपेटर्स, और भारतीय सरकार ने आरोप लगाया जो विशेष रेपेटर्स जो कि नियुक्त किए गए थे यूएन के द्वारा, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट इंडिया, और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो व्यक्तिगत पक्षपात के कारण, प्रेजुडाइस का मतलब पूर्वाग्रह होता है, जिसका किसी व्यक्ति से मान लीजिए एक बार झगड़ा हो गया और उस झगड़े के चलते उसके मन में बैठ गया कि मेरा दुश्मन है, अब कभी उसके खिलाफ कोई डिसीजन देना हो आप जज बन जाएँ और
उसी व्यक्ति को फिर से देखें, वो रोष आपका उस समय का रोष है और वो उभर कर उस समय सामने आता है और आप उसी के चलते आप डिसीजन देते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइज। तो उन्होंने, भारतीय सरकार ने कहा कि जो स्पेशल रेपोर्टर्स जो नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो अपने पूर्वाग्रह के चलते तैयार की है, भारत के खिलाफ जो उनका पूर्वाग्रह है। प्रेजुडाइज के साथ में अगेंस्ट लगेगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसके खिलाफ पूर्वाग्रह है उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इंडिया ड्रू नोटिस टू द पुलवामा अटैक, भारत ने ध्यान खींचा है पुलवामा अटैक की ओर भी दिस ईयर, इस साल, कॉलिंग टेररिज्म द ग्रॉसेस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें यह कहा गया है कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, वो ग्रॉसेस्ट वायलेशन है, वो सबसे टोटल वायलेशन है। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, पूर्ण रूप से होता है। वैसे वल्गर या रूड के लिए भी ग्रॉस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल के लिए यूज़ करिए। तो भारत ने कहा पुलवामा अटैक की ओर ध्यान खींचते हुए कि इंडिया डू नोटिस द पुलवामा अटैक, भारत ने पुलवामा अटैक की ओर ध्यान खींचते हुए ये कहा है इस साल कि कॉलिंग टेररिज्म द ग्रोसेस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, की आतंकवाद जो है वो मानवीय अधिकारों का हनन कर रहा है, नॉट द एलिगेशंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेज। भारत ने ये कहा कि जो आरोप लगते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज पर, एलिगेशन का मतलब अभियोग है, आरोप है, जो आरोप लगते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज पर, सेना के लोगों पर, वो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हनन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद जो है वो मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ट्रीट ऑल एलिगेशंस मेड बाय द यूएन स्पेशल रेपोर्टर्स एज ए क्लोज चैप्टर। इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है टू ट्रीट ऑल एलिगेशन, कि जितने भी आरोप लगे हैं उसको वो ट्रीट करेगी, मेड बाय द यूएन स्पेशल रेपोर्टर्स, वो एलिगेशंस, वो आरोप जो यूएन के विशेष जो रेपोर्टर्स नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं, उसको इस रूप में करेगी क्लोज चैप्टर, मतलब इसको क्लोज चैप्टर मान लिया गया है, इसको क्लोज कर दिया गया है, बिल्कुल भी यहाँ पर रेस्पॉन्स देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, एंड विल नॉट एंगेज फर्दर ऑन इट। और ये भी कहा गया है कि वो इसमें आगे एंगेज नहीं होगी, इस प्रकार का कोई अंडरटेन नहीं किया जाएगा कि आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, जो आप आरोप लगाएंगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे, आप जो रेस्पॉन्स हमसे मांगेंगे हम रेस्पॉन्स देंगे। इंडियाज ऑब्जेक्शंस टू द OHCHR रिपोर्ट, भारत का जो ऑब्जेक्शन रहा OHCHR रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी यूएन के स्पेशल रेपोर्टर्स के द्वारा, उसके प्रति जो भारत के ऑब्जेक्शंस रहे हैं, एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट के साथ टू लगता है, ठीक है ना। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो अपने तरीका का पहली बार ऐसा हुआ है, व्हेन इट वाज रिलीज इन 2018, जब ये रिलीज़ की गई 2018 में, एंड द फॉलो अप दिस ईयर आर अंडरस्टैंडेबल, और फिर इस साल भी इसको फॉलो अप किया गया, फॉलो अप का मतलब अनुसरण करना होता है, आर अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य है, गिवन द ऑफन सेलेक्टिव नेचर ऑफ एलिगेशंस रेज्ड बाय द यूएन बॉडी। किसके कारण ये जो ऑब्जेक्शन सरकार ने किया है, जो अपने तरीके का पहली बार है, जब ये रिलीज़ की गई थी रिपोर्ट 2018 में, और फिर इस साल भी ये रिपोर्ट फॉलो अप की गई थी, ये अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य है, किसको देखते हुए, गिवन द ऑफन सेलेक्टिव नेचर ऑफ एलिगेशंस, जो आरोपों का एक सेलेक्टिव नेचर है, जो भी आरोप लगाए गए हैं यूएन बॉडी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र निकाय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की बॉडी के द्वारा, वो सेलेक्टिव नेचर के यहाँ पर आरोप हैं, इसको देखते हुए लगता है कि ये एकदम अंडरस्टैंडेबल भी है। फिर देखिए, इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट डिमांड्स फॉर एक्शंस, ये भी स्पष्ट है, इट इज़ ऑल्सो क्लियर, ये भी स्पष्ट है दैट डिमांड्स फॉर एक्शन, कि जो भी एक्शन की डिमांड्स हैं कि कार्यवाही की जाए अगेंस्ट इंडियन ऑफिशियल्स, भारतीय अधिकारियों के खिलाफ, एन अमेंडमेंट्स ऑफ लॉज, या फिर कानून में संशोधन की डिमांड है कि कानून जो भी है उसमें अमेंडमेंट किया जाए, कैन क्रॉस द लाइन ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, ये भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एक सर्व कह सकते हैं, भारत के पास जो शक्तियाँ प्राप्त है उस के प्रति एक क्रॉस द लाइन, क्रॉस द लाइन का मतलब एक्चुअली होता है कि डू समथिंग दैट इज़ आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो उससे बाहर जाकर काम करना, तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होगा, भारत की संप्रभुता को देखते हैं, भारतीय संप्रभुता का हनन होगा, ये लाइन क्रॉस करने वाला होगा। द कॉल बाई द प्रीवियस HCHR दैट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेट अप एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट इंडियाज रिकॉर्ड इन कश्मीर वॉज सीन टू बी इन्वेजिव एंड कुड बी डिसमिस्ड बाई न्यू डेली एज वेल। द कॉल बाई द प्रीवियस HCHR, जो भी पहले HCHR थी उसके द्वारा जो कॉल था, उसके द्वारा जो मांग थी, दैट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार की जो संघ परिषद है, काउंसिल का मतलब संघ या परिषद होता है, याद रखिएगा, COUNSEL भी होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना, इससे काउंसलर बनता है सलाह देने वाला, ये काउंसिल है, इसका मतलब संघ या परिषद होती है। तो पिछले जो HCHR थी उसके द्वारा जो डिमांड थी, कॉल था उसके द्वारा कि मानव अधिकार जो काउंसिल है वो एक स्वतंत्र और एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल स्थापित करे,
सेटअप का मतलब स्थापित करना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कोर्ट को बोलते हैं, न्यायालय को बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करें, टू इन्वेस्टिगेट इंडियाज रिकॉर्ड इन कश्मीर की भारत का रिकॉर्ड उसमें जांचा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, कश्मीर में सीन टू बी इन्वेजिव, ये ऐसा लगा कि इसको ऐसा देखा गया कि इन्वेजिव है, इन्वेजिव का मतलब है एक हस्तक्षेप करने वाला है, इन्वेजिव, इन्वेड आपने पता होगा, इन्वेड का मतलब आक्रमण करना होता है, तो इन्वेजिव का मतलब यहाँ पे है कि वो एक हस्तक्षेप करने वाली बात है, एंड कुड बी डिसमिस्ड बाय न्यू दिल्ली एज वेल, और इसको भी न्यू दिल्ली मतलब भारत के द्वारा इसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा। हावेवर द गवर्नमेंट कैन नॉट क्वेल द ट्रबलिंग क्वेश्चंस दैट द यूएन रिपोर्ट एंड द स्पेशल रिपोर्टर्स सबमिशंस रेज सिंपली बाय रिजेक्टिंग देम। फिर भी जो गवर्नमेंट जो है वो कैन नॉट क्वेल, क्वेल का मतलब होता है शांत करने को बोलते हैं, क्वेल, क्वेल से मतलब है शांत करना। फिर भी जो गवर्नमेंट है वो ट्रबलिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो ये प्रश्न हैं, जो मुसीबत पैदा कर रहे हैं, इनको क्वेल नहीं कर सकती, इनको दबा नहीं सकती, इनको शांत नहीं कर सकती, दैट द यूएन रिपोर्ट एंड द स्पेशल रिपोर्टर सबमिशंस रेज सिंपली बाय रिजेक्टिंग देम, जो कि यूएन की जो रिपोर्ट है और स्पेशल रिपोर्टर्स का सबमिशंस है, सबमिशन का मतलब सबमिट कर देने का मतलब, जो भी इन्होंने सबमिट किया है या फिर कहें कि जो भी बात मान ली है, तो यूएन की रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्टर्स का सबमिशन है रेज सिंपली बाय रिजेक्टिंग देम, जो कि रेज करता है इनको रिजेक्ट करके, मतलब भारतीय सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यूएन की रिपोर्ट को नहीं माना, रिपोर्टर्स की जो बात थी वो नहीं मानी, इनके द्वारा एलिगेशन थे उनको स्वीकार नहीं किया, तो ये इनको रिजेक्ट करके आप इसको दबा नहीं सकते, ये कहना चाह रहा है। टू बिगिन विद मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द OHCHR रिपोर्ट आर ऑफिशियल इंडियन अथॉरिटीज़। इसमें अगर शुरुआत से हम बात करें, इसको शुरू की जाए इस बात को, तो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज फॉर द OHCHR रिपोर्ट, सबसे पहली बात तो है अधिकांश जो स्रोत हैं, मोस्ट देखिए यहाँ पर है ऑलमोस्ट के अर्थ में, और मोस्ट मैंने आपको किसी ना किसी एडिटोरियल में डिस्कस किया था ये पॉइंट, कि जब भी मोस्ट अधिकांश के अर्थ में आता है, ऑलमोस्ट के अर्थ में आता है, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो यहाँ मोस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो अधिकांश जो स्रोत है, ऑलमोस्ट जो सोर्सेज हैं OHCHR रिपोर्ट के, आर ऑफिशियल इंडियन अथॉरिटीज़, वो भारतीय अधिकारी हैं, स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ये चीज़ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज़, एज वेल एज रेप्यूटेड इंडियन NGOs, तो ये सब शामिल हैं इसमें, जो भी सोर्स हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने के, वो ऑफिशियल इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज़ हैं, और भारतीय NGOs हैं जो कि रेप्यूटेड हैं। दिस इज़ देयरफॉर अ व्यू फ्रॉम विद इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि जो भी व्यू निकल कर आएगा वो भारत के अंदर ही है, भारत के लोग ही भारत के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, नॉट सम डिसएंगेज्ड यूएन ऑफिशियल, एंड मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। दिस इज देयर फॉर अ व्यू फ्रॉम विद इन इंडिया, नॉट सम डिसएंगेज्ड यूएन ऑफिशियल, तो यहाँ पे भारत में ही सब कुछ है, यूएन ऑफिशियल की बात यहाँ पर नहीं है, एंड मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली, इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। टू कश्मीरी NGOs also released a report on Monday documenting 432 specific cases of alleged brutality by security forces in Kashmir, including electrocution, waterboarding and sexual torture of civilians, of which only about 27 were taken up by the State Human Rights Commission. दो कश्मीरी NGO की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट यहाँ पे इश्यू की थी, रिलीज़ की थी, तो दो कश्मीरी NGO ने भी एक रिपोर्ट इश्यू की, रिलीज की मंडे को, इसमें 432 विशेष केसेस को शामिल किया गया, और उसमें कौन से केसेस थे, एलेज ब्रूटलिटी के केसेस थे, एलेज्ड का तथाकथित को बोलते हैं, ब्रूटलिटी का मतलब पशुता, क्रूरता होती है, तो तथाकथित क्रूरता की यहाँ पे रिपोर्ट बताई गई, 432 केसेस इसमें डॉक्यूमेंट किए गए, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, जो सेना वहाँ की है वहाँ के द्वारा ब्रूटलिटी होती है, क्रूरता होती है कश्मीर में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रिक शॉक देकर किसी को मार देना, इसमें क्रूरता किस प्रकार की है वो आगे बताया गया है, इलेक्ट्रोक्यूशन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वाटर बोर्डिंग, पानी में आपने देखा होगा कोई मूवीज़ के अंदर, ये एक इंटरोगेशन करने का तरीका होता है, प्रश्न पूछने का तरीका होता है, कभी अपराधी से पुलिस वाले प्रश्न पूछते हैं तो पानी में डुबोकर उसके कपड़ा बांध दिया जाता है चेहरे पर, फिर पानी में डुबोया जाता है, उस पर पानी डाला जाता है, उसको वाटर बोर्डिंग, तो इस प्रकार का वहाँ पे टॉर्चर है, एंड सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ सिविलियंस, सेक्सुअल टॉर्चर है सिविलियंस का, ऑफ विच ओनली अबाउट 27 वर टेकन बाय द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें केवल 27 ही लिए गए, 432 जो केसेस थे उसमें से केवल 27 को ही जगह मिली, 27 पे ही विचार हुआ ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। द गवर्नमेंट मस्ट प्रेस फॉर ड्यू प्रोसेस,
जो भी ड्यू प्रोसेस है, जो भी होना चाहिए, ड्यू का मतलब है कि ऐसा डिजर्व करता है, ऐसा तो होना चाहिए, तो जो भी ड्यू प्रोसेस है और जस्टिस है, न्याय है जो मिलना चाहिए इनमें से हर एक के लिए, वो तो गवर्नमेंट को कम से कम करना चाहिए। इवेंचुअली अंततः ये एक एडवर्ब हो गया है, अंततः फाइनली इसका मीनिंग है, ly एंडिंग वर्ड जनरली आर कोल्ड एडवर्ब्स। इंडिया विल बी जज्ड नॉट ओनली बाई हाउ क्लोज इट स्टैंड्स टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। भारत का जजमेंट इस प्रकार से नहीं किया जाएगा, केवल इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि भारत कितना विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा है, बट हाउ मच द स्टेट एक्सटेंड्स इट्सेल्फ टू द मोस्ट वल्नरेबल विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज, बल्कि इसके द्वारा भी किया जाएगा कि जो भारत है, देश है, वो कितना अपने आप को आगे बढ़ाता है। एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ाना है, कितना मतलब हेल्प का हाथ, हेल्पिंग हैंड आगे करता है किसके लिए, जो मोस्ट वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब जिस पर आक्रमण करना आसान हो, जो कमज़ोर हो, कमज़ोर तबका हो, उसके लिए कितना अपने आप को आगे बढ़ाता है विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं के अंदर। इससे भी भारत का जजमेंट वैश्विक धरातल पर किया जाएगा। तो ये तो फर्स्ट एडिटोरियल था। अब दूसरे की बात करें, हाइज एंड लॉज, ये मैंने बताया था कि मार्केट पर आधारित एक फाइनेंशियल आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाइज एंड लोज का मतलब एवरीवेयर होता है, और हाइज और लोज का मतलब ये भी होता है कि स्टॉक मार्केट में कहें कि कभी ऊपर है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे है, इस रूप में भी मान लीजिए, तो कभी खुशी की बात है, कभी दुख की बात है, ये मान लीजिए, तो हाइज एंड लोज वैसे एवरीवेयर कह सकते हो। द रैली, रैली वैसे तो रैली आप समझते हैं, रैली निकलती है, काफिला निकलता है वाहनों का, लेकिन रैली जब स्टॉक मार्केट की बात आप करेंगे तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीजेज इन द प्राइसेज ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंडेक्सेस। एक ऐसा समय जिसमें बहुत अधिक, मतलब एक सस्टेंड इंक्रीज देखने को मिलता है, लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं रैली। मतलब स्टॉक्स के अंदर प्राइसेस जो स्टॉक्स की हैं उसमें अगर लगातार वृद्धि का माहौल है, रुख है, तो उसको बोलते हैं रैली। तो रैली इन स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में जो रैली है इज ड्रीवन प्राइमरीली, ड्रीवन का मतलब यहाँ पे है प्रेरित, और इज ड्रीवन है इसका मतलब ये पैसिव, वो इसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेरित है प्राथमिक रूप से बाय इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स, मतलब निवेशक की भावनाओं के कारण ऐसा हुआ, निवेशकों की भावनाओं के कारण ये सस्टेन इंक्रीज का दौर बना हुआ है, नॉट मार्केट फंडामेंटल्स, बाजार के जो मौलिक आधारभूत फंडामेंटल्स हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ है, ये कहा गया है आपको हेडलाइन और सब हेडलाइन में। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA का फुल फॉर्म है, तो NDA के आने की जो संभावना है, फिर से देखिए, अभी देखा आपने कि एक एग्जिट पोल बताया गया कि पूरी पूरी संभावना है, केवल एक चाहे टीवी चैनल के अलावा कि सभी ने पूर्ण बहुमत में दिखाया है NDA को, तो उस पूर्ण बहुमत के घोषणा के बाद, यूँ कहें कि एक प्रेडिक्शन के बाद ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट बहुत अच्छे पायदान पर पहुंच गया, तो उसी के चलते बताया गया है जो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रोस्पेक्ट है, लेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो अलायंस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड किया जाता है, रिटर्निंग टू पावर की, ये वापस सत्ता में लौट आएगी, NDA फिर से सत्ता में आने वाली है, हैज़ गोट इन्वेस्टर्स इन इंडियाज इक्विटी मार्केट्स ऑल एक्साइटेड। अब देखिएगा, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि हैज़ गोट इन्वेस्ट इन इंडिया मार्केट्स ऑल एक्साइटेड, अब ये गोट एक्साइटेड है, इसका मतलब उनको उत्तेजित कर दिया है, ये आपको पॉजिटिव वर्ब के रूप में दे रखा है, जब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये पॉजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब है कोई भी काम करवाया है। तो हैज़ गोट इन्वेस्टर्स इन इंडियाज इक्विटी मार्केट, तो भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें सभी निवेशकों को एक उत्तेजित कर दिया है, खुशी का माहौल भर दिया है। बोथ द निफ्टी एंड सेंसेक्स रीच्ड ऑल टाइम हाइज ऑन मंडे एज द इंडाइसेज अप्रिशिएटेड 3.75% एंड 3.69%। इंडाइसेज जो है वो इंडेक्स का प्लूरल है, चूँकि एक ही अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स है, अगर एक ही सूची है तो इंडेक्स है, और एक से अधिक है तो इंडाइसेज, तो यहाँ पे निफ्टी की बात भी है, सेंसेक्स की बात भी है, तो दो हो गए, इस कारण से इंडाइसेज है। अप्रिशिएट का मतलब वैसे तो प्रशंसा करना होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जब कीमतों की बात हम करते हैं तो अप्रिशिएट का मतलब होता है वृद्धि करना, तो यहाँ पे है कि दोनों ही निफ्टी और शेयर सेंसेक्स दोनों ही ऑल टाइम हाई प्राप्त किया है, सबसे ऊंचा पायदान प्राप्त कर लिया है, सबसे उच्च लेवल पर चला गया है मंडे को, एज द इंडेक्स इज अप्रिशिएटेड 3.75% 3.69%, क्योंकि जो यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिली है दोनों की ही, वहाँ पर 3.75% तो निफ्टी में यहाँ पर अप्रिशिएशन हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है, और 3.69% वृद्धि देखने को मिली है सेंसेक्स में, रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, इसलिए क्योंकि निफ्टी पहले आया था तो 3.75%, सेंसेक्स बाद में आया तो 3.69%। द लार्जेस्ट राइज इन परसेंटेज टर्म्स, अगर परसेंटेज की बात की जाए, सबसे बड़ी राइज ये है, सबसे बड़ी वृद्धि ये है सिंस सेप्टेम्बर 2013, 2013 सेप्टेम्बर में देखने को मिला था या फिर अभी देखने को मिला है, तो उस समय से लेकर आज तक अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सबसे ऊंचा पायदान प्राप्त किया है शेयर मार्केट में। द सैनिटी रिटर्न ऑन ट्यूजडे, लेकिन ट्यूजडे को यद्यपि
सैनिटी आ गई। सैनिटी का समझदारी बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। देखिए एक्साइटमेंट था, निवेशकों की भावनाएं थी और एक्साइटमेंट के आधार पर मार्केट चला गया, बिल्कुल बूम हुआ। लेकिन ट्यूसडे को थोड़ा सा संतुलन देखने को मिला, समझदारी देखने को मिली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि विद द इंडाइसेस शेडिंग सम ऑफ मंडेज गेन्स, जो मंडे को गेन हुआ था उस थोड़ा सा गिरा मार्केट, ठीक है ना। मंडे को जो भी प्राप्त हुआ था लाभ, उससे थोड़ा सा शेड हुआ, शेड का मतलब गिरना। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन मंडेज राइज वॉज द लार्जेस्ट इन 10 ईयर्स। अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें, उस संदर्भ में बात करें, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स गेंड मंडेज राइज, जो मंडे की राइज हुई, मंडे को जो वृद्धि हुई, उसमें पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो ये 10 सालों का सबसे बड़ा पायदान था। दिस रैली वॉज आफ्टर मोस्ट एग्जिट पोल्स रिलीज्ड ऑन संडे प्रेडिक्टेड दैट द प्रेजिडेंट एनडीए गवर्नमेंट वुड ईजिली क्रॉस द हाफ ए मार्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो ये जो राइज हुई, ये रैली जो देखने को मिली, ये सस्टेन इंक्रीज देखने को मिला, वॉज आफ्टर मोस्ट एग्जिट पोल्स रिलीज ऑन संडे। ये तब देखने को मिला कि संडे को जब अधिकांश एग्जिट पोल्स जो रिलीज हुए थे उसमें प्रेडिक्ट किया गया, उसमें भविष्यवाणी की गई कि जो वर्तमान में एनडीए सरकार है वो फिर से आसानी से बहुमत प्राप्त कर लेगी, आसानी से सरकार बना लेगी। द रैली ऑन मंडे हाउएवर वॉज फ्यूल्ड मेनली बाय परचेजेस मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो मंडे को ये रैली हुई, मंडे को जो ये देखने को सस्टेन इंक्रीज देखने को मिला, हाउएवर वॉज फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब होता है इससे प्रेरित था। वैसे फ्यूल का मतलब ईंधन है, ईंधन क्या करता है, ईंधन गाड़ी को चलाने के लिए प्रोपेलेंट का काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर फ्यूल का मतलब है प्रेरित करना। तो रैली जो मंडे को देखने को मिली, मंडे को जो इंक्रीज देखने को मिला, वॉज फ्यूल्ड मेनली बाई परचेजेज मेड बाई फॉरन इन्वेस्टर्स। वो मुख्यतः इस कारण से था कि फॉरन इन्वेस्टर्स जो थे, जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने परचेज किया था, इस कारण से उनकी परचेजिंग हुई थी, इस कारण से ये देखने को मिला। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोट शेयर्स वर्थ 1734 करोड़ ऑन मंडे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने शेयर खरीदे 1734 करोड़ रुपए के मंडे को, पुशिंग द रूपी अप बाई ऑलमोस्ट 0.7% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और इस कारण से रुपए भी और अगर यूएस डॉलर के मुकाबले, देखिए जब भी इस कंपैरिजन की बात करते हैं किसके मुकाबले है, किसकी तुलना में है, तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ये मैंने एक क्लोज टेस्ट में भी मेंशन करवाया था, बताया था। अगर आप क्लोज टेस्ट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, 1 से 5 तक के क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, नंबर 6 आज आप तक पहुंच जाएगा। तो जो क्लोज टेस्ट है उसमें भी देखते चलिएगा, आपको रूल्स जो भी होते हैं ग्रामर के वो बताए जाते हैं। तो पुशिंग द रूपी अप बाई ऑलमोस्ट 0.7% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो इससे क्या है, रुपए जो है डॉलर के मुकाबले 0.7% यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली। इट इज़ वर्थ नोटिंग, वर्थ के साथ ING लगता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा करने योग्य है। तो इट इज़ वर्थ नोटिंग, तो ये बात नोट करने योग्य है दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स वर नेट सेलर्स ऑफ स्टॉक्स इन द अर्लियर ट्रेडिंग सेशंस, कि पहले जो ट्रेडिंग सेशन हुए थे, जो भी मार्केट में ट्रेड हुआ था, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे पहले सेलर्स की भूमिका निभा रहे थे, बेच रहे थे, इस कारण से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर रहा था। लेकिन अब वो क्रेता की भूमिका निभा रहे हैं, परचेजर की भूमिका निभा रहे हैं, इस कारण से मार्केट अप हुआ है। causing the indices to fall significantly from their previous high that was reached in April. और इस कारण से क्या था कि जब वो सेलर्स की भूमिका निभा रहे थे तो इंडाइसेज जो है वो सिग्निफिकेंटली फॉल कर रही थी, गिर रही थी फ्रॉम देयर प्रीवियस हाई, जो उनका पिछला उच्च पायदान था जो कि अप्रैल में था, उससे गिरना शुरू हो गया था। सो संडेज एग्जिट पोल्स मे हैव कॉज्ड मैनी फॉरेन इन्वेस्टर्स टू टेक ए मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ द इंडियन मार्केट्स। इस प्रकार से संडे का जो एग्जिट पोल है, संडे को जो एग्जिट पोल हुआ है, मे हैव कॉज्ड, हो सकता है कि अनेकों फॉरेन इन्वेस्टर्स को इसने टू टेक अ मोर पॉजिटिव व्यू कॉज्ड किया है, इसका मतलब ये इनको प्रेरित किया है, ये कारण बना है। तो ये कारक बना है संडे का एग्जिट पोल, कि जो अधिकांश जो भी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो पॉजिटिव व्यू लेकर आ गए, सकारात्मक रवैया इनका देखने को मिला भारतीय बाज़ारों के प्रति। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो घरेलू निवेशक हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर सोल्ड शेयर्स वर्थ 543 करोड़ ऑन मंडे, इन्होंने 543 करोड़ रुपए यहाँ पर सेल कर दिए शेयर्स। अगर ये भी यहाँ पर खरीदते तो डेफिनेटली और भी अच्छे हालात सेंसेक्स के शेयर मार्केट के देखने को मिलते। मंडेज रिकॉर्ड रैली इन स्टॉक्स शुड बी सीन एज वन दैट वाज ड्रीवन प्राइमरीली बाय इन्वेस्टर सेंटीमेंट रदर देन बाय मार्केट फंडामेंटल्स। मंडे की जो रिकॉर्ड रैली हुई, मंडे को जो रिकॉर्ड ये उच्च स्तर प्राप्त किया गया स्टॉक्स में, शुड बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए। शुड दे रखा है इसका मतलब ऐसा चाहिए, शुड बी दे रखा है मतलब पैसिव वॉइस है, तो इसको देखा जाना चाहिए एज वन, एक उस रूप में दैट वॉज ड्रीवन प्राइमरीली, कि ये जो रैली थी, ये जो इंक्रीज था, ये जो बढ़ोतरी थी, ये प्रेरित था मुख्य प्रमुखतया या फिर कहें प्राथमिक रूप से इन्वेस्टर के सेंटीमेंट से, सेंटीमेंट्स के कारण, इन्वेस्टर्स की भावनाओं के कारण से देखने को मिला, रेदर देन बाय मार्केट फंडामेंटल्स। किसके द्वारा नहीं था,
इसकी बजाय मार्केट फंडामेंटल, जो आपको हेडलाइन में दे रखा था कि मार्केट फंडामेंटल का असर नहीं था, ये निवेशकों के सेंटीमेंट्स का असर देखने को मिला। एज विद एनी प्योरली सेंटीमेंट ड्रिवन रैली, थिंग्स कैन टेक अ टर्न फॉर द वर्स इफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स फेल टू मीट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। एज विद एनी प्योरली सेंटीमेंट ड्रिवन रैली, कोई भी सेंटीमेंट ड्रिवन रैली जो है, मतलब भावनाओं के आधार पर अगर कोई बढ़ोतरी देखने को मिलती है, थिंग्स कैन टेक ए टर्न फॉर द वर्स, तो हो सकता है अगर ऐसी भावनाओं के आधार पर ही हो तो ये बुरे परिणाम भी ला के दे सकता है। कैन टेक अ टर्न मतलब ये टर्न ले सकता है फॉर द वर्स, बुरे के लिए भी, इफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स फेल टू मीट द मार्केट्स एक्सपेक्टेशंस, कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये बाद के जो इवेंट्स है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब बाद की जो घटनाएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलती हैं, तो हो सकता है कि बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ जाएं। देयर इज वेरी लिटिल इन द फॉर्म ऑफ मार्केट फंडामेंटल्स टू वारंट द काइंड ऑफ एग्जुबरेंस शोन बाय इन्वेस्टर्स ऑन मंडे। तो देर इज़ वेरी लिटिल इन द फॉर्म ऑफ मार्केट फंडामेंटल्स, मार्केट फंडामेंटल्स का स्थान यहाँ पे था ही नहीं, कहा ना के बराबर था, वेरी लिटिल है मतलब ना के बराबर था। टू वारंट द काइंड ऑफ एग्जुबरेंस, वारंट का मतलब होता है नेसेसिटेट करना, जस्टिफाई करना, और एग्जुबरेंस का मतलब खुशी प्रफुल्लता के दोरों कह सकते हैं, फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एनर्जी के दोरों कह सकते हैं। तो बहुत ही कम था मार्केट फंडामेंटल का असर टू वारंट द काइंड ऑफ एग्जुबरेंस, कि जो भी वहाँ पे उत्तेजना, खुशी देखने को मिली इन्वेस्टर्स के द्वारा मंडे को, वहाँ इसका रोल नहीं था। कॉर्पोरेट अर्निंग्स डेटा रिलीज्ड एज नाउ फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर सजेस्ट दैट अर्निंग्स माइट एक्चुअली विटनेस अ सिग्निफिकेंट फॉल फ्रॉम व्हाट दे वर अ ईयर अगो। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स डेटा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स डेटा है, जो भी उद्योगों से प्राप्त डेटा है, रिलीज्ड एज फॉर नाउ फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर, जो कि रिलीज किया गया जनवरी से मार्च तक के तिमाही का, सजेस्ट वो बताता है, वो डेटा जो है, डेटा प्लूरल फॉर्म में है, डेटा ही सिंगुलर फॉर्म में आजकल यूज़ करते हैं, वैसे सिंगुलर डेटम होता है, वो सजेस्ट करते हैं दैट अर्निंग्स माइट एक्चुअली विटनेस, कि जो भी अर्निंग्स हैं वो वास्तव में विटनेस कर सकती हैं सिग्निफिकेंट फॉल, कि जो भी अर्निंग्स है वो घट सकती हैं, उसमें गिरावट आ सकती हैं, फ्रॉम व्हाट दे वर ए ईयर अगो, जैसा कि एक साल पहले थी उसकी तुलना में गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्रोथ हैज़ ऑल्सो बीन स्लोइंग डाउन, जो वृद्धि दर है वो भी गिरावट उसमें आ रही है। इन कोर सेक्टर्स, कोर सेक्टर्स का मतलब है जो सेंट्रल सेक्टर्स हैं, जो केंद्रीय हैं, जिसके इर्द-गिर्द बाजार घूमता है, जो मुख्य सेक्टर्स हैं, एज कंज्यूमर डिमांड हैज़ फेल टू पिकअप, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हुई है, उपभोक्ताओं की मांग में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। लिक्विडिटी रिमेन्स ए कंसर्न, और लिक्विडिटी एक कंसर्न है, एक चिंता का विषय है अक्रॉस द इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। स्टिल इन्वेस्टर्स में बी होपिंग दैट थिंग्स कुड गेट बेटर इन कमिंग ईयर्स, फिर भी इन्वेस्टर्स में भी होपिंग, जो निवेशक हैं वो शायद आशा कर रहे होंगे, दैट थिंग्स कुड गेट बेटर, ये कुड है पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं आने वाले वर्षों में, एज ए स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर विल बी एबल टू अंडरटेक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि एक स्थायी सरकार जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आएगी, वो आर्थिक सुधार लेकर आएगी। वाइल द फैक्ट रिमेन्स दैट नो बिग बैंग रिफॉर्म्स दैट कुड गिव अ स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन द लास्ट 5 ईयर्स, जबकि फैक्ट जो है वो ये है, फैक्ट अभी भी रिमेन करता है, रिमेन है मतलब अभी भी बचता है, फैक्ट देखने में आता है दैट नो बिग बैंग रिफॉर्म की कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन। वैसे बिग बैंग एक स्टॉक मार्केट के नियमों में किया गया बदलाव था, लंदन स्टॉक मार्केट में बदलाव किया गया था, लगभग 1986 की बात है, तो उसी के लिए बिग बैंग रिफॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि कोई बड़ा बदलाव दैट कुड गिव अ स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आर्थिक वृद्धि को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सके, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ऐसा कोई भी बदलाव, ऐसा कोई बिग बैंग रिफॉर्म नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है पिछले 5 सालों में। इन्वेस्टर्स में स्टिल व्यू द एनडीए गवर्नमेंट इज़ लेस पॉपुलिस्ट देन एनी अदर रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, फिर भी इन्वेस्टर्स जो हैं मे स्टिल हैव द एनडीए गवर्नमेंट, वो अभी भी ये कह सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो लेस पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट एक्चुअली एक राजनीति से प्रेरित एक शब्द है, पॉपुलिस्ट का मतलब लोगों को लुभाने के लिए योजनाओं को लाना, तो इसे लेस पॉपुलिस्ट पार्टी के रूप में मानते हैं अभी भी, कोई अन्य रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव की बजाय, कि कोई अन्य ऑल्टरनेटिव मतलब ये कह सकते हो कि रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, विकल्प तो है नहीं एनडीए के सामने, इसलिए लेस पॉपुलिस्ट है। इसका मतलब ये लुभाने वाले काम कम और फैक्चुअल काम ज़्यादा करते हैं, ऐसा इनका मानना है। ट्रेड टेंशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज अनदर इमीडिएट रिस्क, जो ट्रेड टेंशन चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, ये भी एक और रिस्क है दैट विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इक्विटी मार्केट, जो कि इक्विटी मार्केट डायरेक्शन को तय करेगा, इक्विटी मार्केट की दिशा को तय करेगा, इंक्लूडिंग इंडियाज एज चाइना ट्राइज टू, मतलब जिसमें भारत का भी बाजार शामिल है, एज चाइना ट्राइज टू फाइंड न्यू मार्केट प्रोडक्ट्स,
क्योंकि चाइना अब जो गया है नए बाज़ारों का जो प्रोडक्ट्स बेचना है, जैसे हुआवे कंपनी मान लीजिए 10 महीने का तो इन्होंने दे दिया है अमेरिका ने कि ठीक आप कर लीजिए, बाकी हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे हमारे देश में, तो अब वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नए मार्केट की तलाश करेगा चाइना, एट इट कैन सेल टू अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन को सेल नहीं कर सकता। गिवन दीज वेरियस अनसर्टेनिटीज़, इन सारी भिन्न भिन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए इट वुड बी प्रूडेंट, ये विवेकशीलता होगी, ये एक अच्छा विवेक होगा नॉट टू ओवर रीड द मैसेज। ओवर रीड का मतलब कह सकते हो कि जो मीनिंग दे रखा है उससे बढ़ चढ़कर आपने अनुमान लगा लिया है, है ना। तो इस मैसेज को, इस संदेश को ओवर रीड ना करें, ओवर रीड ना करें, इसका मतलब कहें कि आप ज़्यादा उत्तेजित होकर कहीं और बेहतर अर्थ ना निकाल लें इसका। इन द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, जो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, स्टॉक मार्केट में जो उछाल है या गिरावट है वो देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए। तो ये था 22nd ऑफ मे का एडिटोरियल सेशन। मिलेंगे कल, नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, स्टे इन टच, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, थैंक्स अ लॉट।